हेलो गाइस, कुछ दर्शक है जो हमें कह रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर आपके जो जानवर है वो इतने गंदे क्यों रहते हैं। तो देखें, चूँकि हम इनको मल्ली खिलाते हैं और ये जैसा कि आप अभी देख रहे हैं अपनी गर्मी को शांत करने के लिए इसमें लेट गए हैं, जिसकी वजह से पूरे गात पर लग गई है मल्ली, जिसकी वजह से गंदे हो जाते हैं। और चूँकि मल्ली ऐसी रहती है तो अमूमन सूर उसमें लेटते रहते हैं, तो ये एक वजह है। और दोस्तों, अगर आपको अपना माल सेल करना है तो आप हमें हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका माल हम खरीदेंगे। और कुछ दर्शक है वो कह रहे थे कि सर नॉर्थ ईस्ट की जो मार्केट है आसाम, नागालैंड, दीमापुर, वहाँ पर अभी क्या रेट चल रहा है। तो अगर वहाँ के रेट की बात करूँ तो वहाँ पर अभी चल रहा है रेट 185। और मिस्टर नितिन हमारे साथ हैं, ये वहाँ पर जाते रहते हैं। सर वहाँ पे क्या रेट चल रहा है दीमापुर में? सर वहाँ पे सबसे ज्यादा रेट चला हुआ है 185। और जो आसाम है, आसाम की मार्केट है वहाँ पे भी तो नहीं है। तो फिर 300 किलोमीटर आगे ले जाने का फायदा क्या है? कुछ भी फायदा नहीं है। अच्छा, और आमगुड़ी वहाँ भी एक ही रेट है? अच्छा, रेट एक ही है। तो मिस्टर नितिन जी ने बताया, आप पिछले कितने समय से वहाँ पे जा रहे हो? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो चुके हैं आपको जाते? देखिए, यहाँ पर नितिन जी है जो पिछले 7-8 साल से नॉर्थ ईस्ट की मार्केट में जाते हैं और ट्रेडिंग के काम में इन्वॉल्व है, और उन्होंने बताया कि वहाँ पर अभी 185 का रेट है। तो सर, जो रास्ते का खर्चा था जो पहले बहुत कम था, अब कितना बढ़ गया है? 60,000 बढ़ गया। 60,000 रुपये एक अड्डी का? 60,000 बढ़ा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो इन्होंने बताया कि जो एक अड्डी का है वो एक जो 30,000 रुपये था, अब 60,000 रुपये बढ़ गया है। इनके टोटल मिलाकर 30,000 प्लस 2 टाइम्स, 2 गुना बढ़ा है, तो 60,000 और 30,000 90,000 रुपये हो गए है ना सर। तो देखें, यही कुछ जानकारी थी आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।